लिखा है, तीनों भाषा में, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। हंस क्यों रहा है भाई? तो हंस क्यों रहा है? मैंने भाई एकदम बढ़िया क्लासिक। डब्ल्यूजी फैमिली, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। डायरेक्टली पुणे से सीधा मैं आ गया हूँ नागपुर यहाँ पे, और अभी आ गया हूँ मैं कोराडी माता मंदिर के पास। सो आपको आज मैं कोराडी माता मंदिर दिखाऊंगा और यहाँ की कुछ विशेषता बताऊंगा। ये मंदिर भी काफी पुराना है और नागपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलो चलते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत मोटा पैसा खर्च किया इधर पे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है पिछले दो साल में, खुद देखने को मिल रही है आंखों से। डेवलपमेंट पूरा सही कर दी इधर पे, पूरा डेवलपमेंट हो गया भाई एकदम खड़क में। ये नवरात्रि के पहले ही है क्या भाई? पूरे दुकान भी लग गई इधर पे सही से। यहाँ से है ना, ओए सूरज यहाँ से है ना, हाँ तो यहाँ से चलना, यहाँ से शेड डला है ना। वहां से क्या करेगा जाके? मंदिर नहीं जाएंगे कुराड़ी के, कुराड़ी के राम मंदिर पीछे साइड ना, जो तालाब की तरफ गया हूँ उधर पे मैं, अभी वो अलग बन गया। पहले वहाँ पे पूरा काम भारी करके रखे थे, पर अभी अलग बनाऊंगा। तो अभी का नहीं देखा पर पहले का देखा हूँ मैंने। बहुत एपिक डेवलपमेंट होगा इधर पे तो, पर अंदर का भी ज्यादा शॉर्ट नहीं ले पाओगे, पर जितना भी लोग वो दिखाऊंगा जरूर। यह मंदिर का सामने का फ्रंट, पूरा मंदिर का देखो परिसर है भाई, बहुत तगड़ा है यहाँ पे की। और मंदिर का एंट्रेंस है यहाँ पे भी, हम सामने जा रहे हैं। आज सैटरडे है, भीड़ है पर कोई नहीं, देखते हैं हम आगे भाई। पर बहुत एपिक बना दिया यार मंदिर तो, एकदम तगड़ा बना के रख दिया इनने। सामने चल, उधर से चल, उधर से। अगर तू ये मंदिर देखेगा ना तो मोस्ट फेमस नागपुर का मंदिर अब हो गया ये। सो ऐसे हमारे माता का एंट्रेंस है, अभी हम जाके आगे दिखाएंगे और यहाँ से ऐसे हमको दर्शन करने जाना है आगे। तो चलते आगे। मोबाइल अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर मैं जाकर दर्शन करके आता हूँ, बाहर से जरूर दिखाऊंगा। फाइनली हमारे दर्शन तो पूरे हो गए और हम थोड़ी देर अभी बैठ के वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फाइनली मैं आ गया हूँ। कहाँ पे? ये तो पता कहाँ पे आया है? माता जी के पास, सीधा माता जी के पास दर्शन कर रहे थे बैंगलोर से सीधा, यही पे प्लेन लैंड किया इसका। ट्रेन लैंड किया तो नहीं भाई, हम यहाँ पे पहले थोड़ा घूमे और उसके बाद हम आए हैं। पहले स्पॉट तो यही रहते कि जहाँ पर दर्शन हो जाए भगवान जी के वहाँ जाएंगे और माइंड को शांत करेंगे। हमारा सही माइंड घुमा हुआ है बहुत दिनों से। सो ऐसे अभी हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं और वहाँ पे माता रानी का दरबार है। अभी तक के आपने शॉर्ट्स देख ही लिए होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली कोराडी माता की ऐसी कहानी है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये तीन रुख बदलते हैं, नवरात्रि में इनका रुख देखने को अच्छे से मिलता है। कि फर्स्ट एक छोटी कन्या का रूप लेती है, सुबह का देखने इनका श्रृंगार का छोटी कन्या का जैसा होता है, अगर दोपहर को देखेंगे दोपहर की जब इधर पर आरती होती है नवरात्रि के टाइम पर, तो एक जवान महिला का रूप लेती है माता और वैसा उनका श्रृंगार होता है, और रात को एक बुजुर्ग औरत का किरदार लेती है। तो ऐसे चमत्कार बहुत ज़्यादा माना जाए यहाँ पर माता रानी को, बहुत देर बनती है नवरात्रि में। तो यहाँ पर भाई हवा टाइट रहती है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो कभी आप आओगे नागपुर तो कोराडी माता मंदिर जरूर विजिट करेंगे। तो देखो अभी नवरात्रि ने फिर भी इधर लाइन लगी पड़ी है भाई,
वहाँ तक अभी हम तो पूरा कर लिए, बट अगर विदाउट नवरात्रि हो गए तो भी आपको भीड़ रहेगी ना, आज वीकेंड इसलिए भीड़ है। चलो कहाँ पे चलते हैं, इधर राम मंदिर पे चलो फिर लेके चलो हमको। सो गाइस आगे हम राम मंदिर जा रहे हैं जो कोराडी के पास है, और भाई प्रीमाइसिस एकदम कड़क है भाई, इधर भी बहुत तगड़ा बना कर रखे। यह विद्या भवन सांस्कृतिक केंद्र केंद्र है क्या कोई, है वो राम मंदिर है वहाँ पे नहीं, यही चाहिए तो ये सांस्कृतिक केंद्र है ना भाई, बहुत एपिक है। सामने ही हनुमान जी है इधर तो भाई, सांस्कृतिक भवन लग रहा है यहाँ पे, कुछ विद्यापीठ टाइप का लग रहा है बना के रखा है, और इसकी 30 रुपये पर पर्सन एंट्री फीस है जो हमने 3 जन की 90 रुपये दी है। विद्यापीठ होगा मेरे भाई, है कि नहीं शुभांशु, ये विद्यापीठ ही होगा, पढ़ने लिखने कुछ होगा, और यहाँ पे बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है भाई, बहुत तगड़ी वाली। तो यहाँ से ऐसे कुछ एंट्रेंस है, पॉजिटिविटी लग रही बहुत, और जैसे कि मैंने बोला था कि ज्ञानपीठ टाइप का, मैंने बोला ना ज्ञानपीठ टाइप का, यहाँ पे सब कुछ स्टोरीज लिखी होगी, श्री रामायण दर्शन पिक्टोरियल इंस्पिरेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। कैसे बलि और सुग्रीव की लड़ाई हुई थी, और राम जी ने वहां से धनुष बाण से मार के वहां पे वध किया था बलि का, तो ये सब पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में बताया, जो हमने बचपन में देखे ना रामायण अपनी, वैसा पूरा फील आ रहा है कि देखो ऐसा भाई, एकदम एपिक फीलिंग आ रही है भाई, क्योंकि पूरा रामायण के लोगों ने पूरा एक मस्त बताया, और इधर तीनों भाषा है, पढ़ लो भाई, देखो ये इंग्लिश में दिया है यहाँ पे पर बलि, या हिंदी, और ये संस्कृत पे है, राइड में संस्कृत पर ही है भाई, तुम तीनों भाषा पढ़ सकते हो। और ये देखो भाई कैसे लक्ष्मण जी ने फिर उनको ताज बनाया था, सुग्रीव को वहाँ का राजा बनाया था बानर सेना का, भाई बहुत एपिक लग रहा है, बहुत ज़्यादा एपिक। देखो जो जो अलग अलग रामायण का वर्णन है, वाल्मीकि रामायण है, वशिष्ठ रामायण, श्री वेद व्यास रामायण है, तो उसके बारे में पूरा वर्णन करके इधर पे बताया है भाई, इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी तुमको, हमारे हिंदू कल्चर पे मजाक है क्या। सो भाई अभी ऊपर भी कुछ है देखने के लिए, और भाई बहुत एपिक चीज है भाई, क्या सही बना शुभांशु, देखो उधर आ ऊपर आ शुभांशु, ये देख भाई, ये भाई ये आर्ट है भाई, बहुत ज्यादा तगड़ा बना है भाई, बहुत तगड़ा बना है, और पूरा सजा के रखे भाई, देखो इधर से पूरा सजा के रखे ऐसे। इधर तो और एपिक चीज़ है, ये तो भारत माता की पूरी मूर्ति है भाई, इधर खड़े के भाई, और यहाँ पे पूरे फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया गया है, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के बारे में पूरा बताया गया है, और ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स है इधर पे। संस्कृति विद्या भवन पे तो सेकेंड फ्लोर पूरे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में दिया हुआ कि 1857 से लेकर 1947 तक कैसे आज़ादी मिली, और कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स ने हेल्प किया, तो उनके बारे में पूरी जानकारी दी है, तो भाई तुम इधर आके विजिट करके वो भी देख सकते हो भाई, बहुत एपिक बनाया है, और बहुत एपिक से उसको सजाया भी है, तो भाई एकदम मज़ा आ रही भाई देखने में भाई, बट बहुत तगड़ी चीज़ देखने को मिल रही है भाई इधर पे, पूरे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तुमको पता है,
कर सकते हो, वन टाइम विजिट करके तुम इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। और पॉजिटिविटी है भाई, जगह पे ऐसा डीम लाइट पे बनाया ना तो पूरी पॉजिटिविटी लग रही है। और भाई दोबारा ना ओनली कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में भी आप दिया है और उनको भी ऑनर किया है, और उनने कैसे हमें 1974 में जीत दिलाई थी उसके बारे में पूरा लिखा है, तीनों भाषा में, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में, हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। तो भाई मस्ट विजिट करके देखो भाई, मजे करो भाई। विक्रम बत्रा के बारे में नहीं है, और भी कैप्टन से और बहुत सारे लोगों के बारे में दिया है मैंने, तो बस आपको कुछ ही एग्जांपल बताया, जैसे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडर योगेंद्र सिंह यादव के बारे में, और भाई बहुत सारे लोगों के बारे में दिया। हंस क्यों रहा है भाई, तू हंस क्यों रहा है? मैंने भाई ना ग्रेनेडियर लिए तो पबजी के स्क्वाड में आएंगे तो नहीं भाई, ये रियल स्क्वाड है, रियल हमारे फ्रीडम फाइटर है, ये कॉमेडी है, ये सिर्फ कॉमेडी कर रहा है, इसके बाद मजाक कर रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं भाई। बट बहुत मजा है भाई, देख फ्रंट लाइनर्स ऑफ फ्रंटियर्स, परमवीर चक्र जय भाई, बहुत चेंगर कर रहे लोग। पर यहाँ पे देखो डांडी मार्च के बारे में दिए है। तो भाई यहाँ पे डांडी मार्च के बारे में दिया है, और यहाँ पे टू नेशन थेरी फॉर्म, यहाँ पे 1940 में सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं। तो भाई भारतीय विद्या भवन देख लिया, अब यहाँ पे जस्ट राम मंदिर है वो भी देख लेते हैं और वो भी दिखा देते हैं। पर भाई बहुत मस्त जगह थी, है कि नहीं, कैसा लगा सुनसु? मेरे को तो बहुत मजा आया नया नया जगह देख के। बाकी सूरज को तो एकदम बढ़िया क्लासिक। तो मस्त विजिट करो, 30 रुपए में तुमको जन्नत मिल जाएगी। जन्नत नहीं, क्या बोलते उसको, सब चीज नॉलेज तो मिल जाएगा 30 रुपए में। जितना नॉलेज नहीं महाभारत उसमें आपको देखने मिलेंगे। बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी उसमें, बहुत सारे बापू का डांडी मार्च। हाँ, फ्रीडम फाइटर्स बापू को सही है, पर बापू चले गए छोड़ के हमें। उनके बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता भाई, तुमको बहुत प्यार दो ठीक है।